मेरा नाम फरहत रिजवी है और मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। बहुत ज़माने से जर्नलिज्म में ही हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे शोभा है ज़िंदगी हैं जिसमें मैं आजकल रिसर्च कर रही हूँ। और आजकल तो मैं ख़ास तौर से कुछ मर्सिया ख़वातीन, मर्सिया निगारों पर और उर्दू में रामायण पर, इन चीज़ों पर काम कर रही हूँ। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक कंपोजिट कल्चर है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, साझी विरासत है ये हमारी, तो हमें उस धारे को लेकर साथ चलना चाहिए। दस्ते सज्जादिया ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की जो यौम पैदाइश है और ये एक आलमी जश्न के तौर पर मना रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब हैं उसके रहनुमाओं को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया है, बोलने का मौका दिया है और लोगों को सुनने का मौका दिया है। तो ये एक ऐसा गुलदस्ता आरास्ता किया है कि मुख्तलिफ़ मज़हबों के फ़लसफ़े, जिसमें मुझे फ़लसफ़े राम और कृष्ण भी नज़र आ रहा है, मुझे फ़लसफ़े मोहम्मद और फ़लसफ़े ज़ैनब भी नज़र आ रहा है, मुझे इसके अंदर फ़लसफ़े ईसा भी नज़र आ रहा है। तो ये एक संगम है और ये होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ख़ूबसूरत धाराएं हैं। और मेरा जो टॉपिक है वो भी है कि इसी दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। तो अहले हुनूद ने, मतलब कम से कम मेरी जो जानकारी में है या उनका मेरे पास कलाम मौजूद है, 450-450 ऐसे शायर हैं अहले हुनूद, जिसमें पंजाब के हैं और अवध के हैं। ख़ास तौर से अवध में तो एक बड़ा सिलसिला था, अवध के हैं, कश्मीरी पंडित हैं, यूपी के हैं, बनारस के हैं। तो इन ये सारे शायरों का जो रसाई कलाम है उसमें हमद है, मनकबत है, मरसिए हैं, तो उसके ऊपर मेरा मकाला है, मैं वो पेश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।